केंद्रीय और राज्य हज कमेटी के गठन और हज फंड का नाजायज इस्तेमाल किए जाने को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय और हज मंत्रालय को जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के आदेश का आजमी ने स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि हज यात्रियों के हित में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर उन्हें पूरा भरोसा है। अरे नहीं, हमारी बात सुना, तकरीबन 23 साल हमने आंदोलन के जरिए ये काम किया और मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, राजनीतिक पार्टी का, हज पे ही काम करता हूँ। लेकिन मैं 3 साल इधर बीमार रहा, एक हादसा हो गया था, तो अब इधर हालात बड़े ख़राब हो गए। 2014 के बाद से ही हज यात्रा बहुत परेशान कुन हो गई, महंगी हो गई और दीगर तमाम ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि जो है हमें मजबूरन हज यात्रा पर काम करने के लिए फिर जो है मजबूर होना पड़ा। हमने तकरीबन 11 महीने से हाजियों के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, हज मंत्री को पत्र लिखना और तमाम उस पर काम किया, लेकिन हमें कहीं से भी संतोषजनक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं किया। 1 साल के जवाब में हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने कहा कि वे अगले 6 सप्ताह तक सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे। इसके बाद जो कांग्रेस, सपा, बसपा सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता जो मुस्लिम हितों की लड़ाई का दावा करते हैं, उनको इस मसले से अवगत करवाएंगे और देखेंगे कि उनका हज यात्रियों के समस्याओं पर क्या रुख लेगा। तो मुख्तसर ये कि मजबूर होकर के हमें कोर्ट न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और मैं सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारे हज यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए गंभीरता से इस रिट को देखा और इसे स्वीकार किया और आज उस पर सुनवाई हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को समय दिया है तब तक इंतजार करना होगा। सरकार के रवैये के बाद ही वे अपनी आगे की रणनीति तय कर समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करते रहेंगे। मऊ से उमाकांत मिश्रा, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।